नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें जो है आपका जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था, एक 2021 में हुआ था और एक 2022 में हुआ था। 2021 में जितने फॉर्म आने थे उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, अब 2021 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब जो आपका 2022 में हुआ था उसी का आया है, पहला फॉर्म आया है 2022/01। 01 का मतलब है यानी कि ये पहला नोटिफिकेशन आया है 2022 के पैट के बाद। अब आपका जो 2022 में लो स्कोर था उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी और उससे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म की जो डेट है वो 16/5/2023 से लगा करके 23/5/2000 लास्ट है। ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं मिला तो आप तुरंत इसको जो है भर दीजिएगा, बहुत ही कम टाइम है और कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट भी लास्ट में जाकर के बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो इस वजह से ये आप लोग जो है इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिएगा। पैट 2022 का स्कोर आपने का इसमें देखा जाएगा, जिसके मार्क्स जो हैं नॉर्मलाइजेशन में 0 या उससे कम है उनको मुख्य परीक्षा में हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, ये तो इनका कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपकी जो है एक स्कोर के साथ आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगी, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे। और इसमें अगर हम बात करें टोटल इसकी फीस की हम बात करें तो 25-25 रुपये इसमें टोटल फीस है आपकी, सभी को ये फीस जो है 25 रुपये ही देनी है, चाहे जर्नल हो, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी हो। वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल 1468 वैकेंसीज़ हैं जो कि स्थाई वैकेंसीज़ हैं यानी कि परमानेंट जॉब है। और इसमें जो यूआर की वैकेंसीज़ है 849, आपकी एससी की जो है अनुसूचित जाति ठीक है उसकी 356 और अनुसूचित जनजाति की 7 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 117 और 139 जो है आपकी वो ओबीसी की है। बाकी बात करें अगर हैंडीकैप कैटेगरी की तो हैंडीकैप कैटेगरी में जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी उसमें बनेगा, आपका जो स्वतंत्र सेना संग्राम है उनकी 2 वैकेंसीज हैं, जो एलवी देखिए जो लो विज़न है, लो विज़न में आपका आप सभी को पता है कि जो पटवारी के फॉर्म आए थे, लेखपाल के फॉर्म आए थे उत्तर प्रदेश, उसमें 0 वैकेंसीज थी, लेकिन यहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा मौका मिला है, काफ़ी अच्छा चांस मिला है। सबसे ज़्यादा एलवी के लिए उन्होंने वैकेंसीज़ में रखी है, एचएच की केवल 2 वैकेंसीज हैं और डबल 0 यानी कि जो 0 वैकेंसीज हैं वो जो ओएच कैटेगरी है, देखिए ओएच कैटेगरी के लिए इन्होंने एक भी वैकेंसीज में नहीं रखी। और इसमें अगर वे रखते भी तो सिर्फ किसको लेते, डीडब्ल्यू यानी कि ड्वार्फिज्म और ओए वन हैंड वालों को इसमें लिया जाता, लेकिन इनकी जो वैकेंसीज हैं वो 0 रख दी, तो इसलिए ओएच कैटेगरी की कोई वैकेंसीज नहीं है। एमडी की वैकेंसी 0 है, बाकी 0 हैं जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी 47 वैकेंसीज, महिलाओं की 270 वैकेंसी और खिलाड़ियों की आपकी 2 वैकेंसीज हैं। देखिए अब इसमें हैं काफ़ी चीज़ें हैं कि किस तरीके से क्या होगा। अब ओएच कैटेगरी के भी जिनके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं वो लोग इसका फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरने के बाद अगर एलवी की सीटें फिर खाली रहने के चांस रहेंगे, अगर लेखपाल की तरह किया जिस तरीके से लेखपाल में पैट का एक स्कोर आया था और पैट के स्कोर के बाद उन्होंने एक ही कट ऑफ बनाई थी पूरी ऑल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। अब इसमें 0 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर अगर इन लोगों ने ओए के फॉर्म, ओए वालों ने भी या बीएल वालों ने भी इस तरीके से फॉर्म भर दिए तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, तो हो सकता है कि इस बार वीडियो में अलग से कट ऑफ डिसाइड करें भी ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि वो निर्धारित एक एग्ज़ाम में ऐसा कर दे तो दूसरे एग्ज़ाम में भी ऐसा करेंगे, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है, तो वो कहीं ना कहीं 4 कैटेगरीज़ में ही आपकी जो कट ऑफ है उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि एलवी की अलग लगा देंगे जहाँ 28 वैकेंसीज हैं, ओएच की वो हो सकते हैं इस तरीके से लिखा आ जाए कि विकलांग श्रेणी में कोई पद उपलब्ध ही नहीं है तो इनकी कट ऑफ ना ही लगाएं ठीक है, और आपका जो है ओएच कैटेगरी है उसके अलग से कट ऑफ लगा दें, क्योंकि लेखपाल में भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं इस बार, शायद वो इस चीज़ को दोबारा से दोहराए ना करें ठीक है। पहले भी जूनियर असिस्टेंट का जो फाइनल आया था उसमें अलग अलग कट ऑफ ही आई थी।
लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो यहाँ जीरो वैकेंसीज का कोई मतलब नहीं बैठता, यहाँ पर भी वैकेंसी जरूर होनी चाहिए थी। जब उन्होंने इसमें ये सब साफ साफ लिख दिया कि इन लोगों को हम लेंगे, अगर जीरो वैकेंसीज ना होती तो ये दो कैटेगरी के लोग इसमें लिए जाते, बाकी को इनको नहीं लिया जाएगा। अब देखिए लेखपाल में क्या होता है, उसी के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा। तो ये 2022 में आप इसको अपना फॉर्म भर सकते हैं, और कहीं ना कहीं गलत है ये ओएच कैटेगरी वालों के लिए। ओएच कैटेगरी को सबसे ज़्यादा UPSC की तरफ से नुकसान हो रहा है, चाहे वो लेखपाल को लेकर के हो या किसी भी भर्ती को, लोअर PCS को लेकर के हो, वीडियो को लेकर के हो। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ओएच कैटेगरी को UPSC की तरफ से हो रहा है। तो इस तरीके से UPSC भी जैसे सेना में होता है और यूपी पुलिस के अंदर होता है, तो साफ साफ एक तरह से मना ही करना चाह रही है वो, लेकिन उन लोगों ने तो मेडिकल में बाहर कर ही रखा है, और ये UPSC भी ऐसा ही कर रहा है। अगर इसी तरीके से रहा तो यूपी में जो है ओएच कैटेगरी को कहीं कोई सीट नहीं मिलेगी, जिससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। सबसे बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में अगर ओएच कैटेगरी के लोग लग जाएँ तो काफ़ी जो है कम कट ऑफ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और 122 सीटें तो लेखपाल में ही है, बाकी वीडियो में भी, अदर भर्तियों में भी। अगर ओएच कैटेगरी भी यहाँ पर कम से कम ये लगा करके चलिएगा 20 20 वैकेंसीज, तो इनकी भी जैसे 1468 हैं, तो 20 22 वैकेंसीज इनकी भी यहाँ पर होनी चाहिए चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ UPSC ने नहीं किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। बाकी तो एज वगैरह इसमें आपकी काफ़ी रहती है, और ठीक है दोस्तों, इसकी जो एज है वो 18 वर्ष से प्राप्त कर जो है, मतलब 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग, वो हम चैनल के माध्यम से आपको लगातार देते रहेंगे। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।